जय हिंद दोस्तों, यूडीसीआर में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे आपके कतार और सऊदी अरेबिया के बीच में खेले जाने वाला जो आपका नेक्स्ट आईसीसी मैच T20 वर्ल्ड कप एशिया क्वालिफायर्स का मैच, उस मैच के बारे में। तो कौन से वो 11 प्लेयर्स होंगे दोस्तों जिनकी जगह बन पाएगी हमारी प्राइम टीम में, उसके बारे में आपको बताया जाएगा दोस्तों। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करने से पहले एक बार आपको हमारे टीम्स की विनिंग्स एक बार जल्दी से दिखा देते हैं दोस्तों। चलिए हमारे टीम्स कितना विन कर रहे ये देखिए। पहले तो आपको ग्रैंड लीग के रैंक्स एक बार दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारे ग्रैंड लीग के रैंक कितने आई, 46 दोस्तों। इसमें कितने आई दोस्तों आपके सामने है जो अभी 87 हमारे ग्रैंड लीग के रैंक से दोस्तों। दो हेड टू हेड हमने ज्वाइन किए थे, इसमें भी हमारी रैंक कितनी है दोस्तों, 1-1 इन विनिंग जोन हम दोनों में। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हर एक मैच की फाइनल टीम एक से बढ़कर एक टीम हम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाए दोस्तों। ये देखिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था, इसमें हमारे टीम के परफॉर्मेंस देखिए दोस्तों। गिल हमारे कैप्टन थे दोस्तों, हमारे टीम में वार्नर गायकवाड़ जैसे जिनको किसी ने नहीं, गायकवाड़ को दोस्तों किसी भी हमारे ओपोनेंट ने लिया नहीं है दोस्तों, और हमने एक तरफा विन किया। ये देखिए हमारे टीम्स जो हमने आपको प्रोवाइड की उसके पॉइंट्स के डिफरेंसेस देखिए दोस्तों कितने हैं दोस्तों, 100 से भी ज़्यादा पॉइंट के डिफरेंस से हम एक तरफा विन कर रहे हैं दोस्तों। आपके सामने है जो भी 100 से भी ज़्यादा पॉइंट के डिफरेंस विन करें। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, एशिया कप में भी हमारे टीम ने कहर मचा के रख दिया दोस्तों। चलिए एशिया कप की टीम्स भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों एशिया कप के परफॉर्मेंस हमने एक साथ आपके साथ शेयर किया सारे मैच के। ये देखिए मोहम्मद सिराज हमारे फाइनल में कैप्टन थे दोस्तों। सभी एक्सपर्ट्स का दावा था ये स्पिनर्स का ग्राउंड है, पर हमारा क्या दावा था हमने पहले ही बता दिया दोस्तों। हमारा दावा था ये आपके फास्ट बॉलर्स का ग्राउंड, इसलिए हमारी पिच रिपोर्ट को ही आपको फॉलो करना है दोस्तों। किसी और के पिच रिपोर्ट को आपको फॉलो नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्राइम पिच रिपोर्ट को ही आपको फॉलो करना है। वो आपको कहाँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ वीडियो में ही दोस्तों। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हमारे आज हमारे कैप्टन थे दोस्तों। ये देखिए इस मैच में भी दोस्तों हमको अपडेट मिल चुका था कि तंदिन साक के मुस्तफिजुर रहमान और नसून अहमद ये तीन प्लेयर्स अच्छा करेंगे दोस्तों, ये हमें मालूम पड़ गया था मैच से पहले। उसके अकॉर्डिंग हमने टीम बनाकर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था दोस्तों। तो ये देखिए ये हमारी टीम है जो आपके सामने। कितने पॉइंट्स हैं हमारे दोस्तों, 1000 से भी ज़्यादा पॉइंट्स हैं दोस्तों। एक और मैच देखते हैं, ये देखिए इसमें हमारे कैप्टन इफ्तिकार अहमद है दोस्तों। हमें इस मैच में इफ्तिकार अहमद का न्यूज़ मिला था कि ये अच्छा करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इनको कैप्टन बना दिया था, तो इसलिए हमने एक तरफा विन किया। इसमें देखिए कुलदीप यादव हमारे कैप्टन और वालेंगे हमारे वाइस कैप्टन थे दोस्तों। ये देखिए 974 पॉइंट दोस्तों। तो कुछ इस तरह से अगर आपको भी जीतना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे चैनल को फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। सेकंडली आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल से लेना है, क्योंकि टेलीग्राम पर हम फाइनल टीम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो जल्दी से टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, है ना। तो दोस्तों अगर हम अभी इस मैच के बारे में बात करें, सबसे पहले तो हमें मैच पर चलना है हमें, उसके बाद हमें चलना है क्रिएट टीम पर, और पहले हमें फिल्टर लगा देना है किसके ऊपर, कतार के ऊपर दोस्तों। तो कतार का पिछला मैच अगर हम देखें तो यहाँ से मैं आपको ऐसे ही बोल सकता दोस्तों कि कौन किस किस प्लेयर को आपको लेना है। यहाँ से आई लिंगियांगे की बात करें, आपको एक ही लौता विकेट कीपर है जो खेलते हुए दिखेंगे दोस्तों कतार की टीम से, इम्पोर्टेंट प्लेयर से आप टीम में रख सकते हैं दोस्तों। पर अभी के लिए विकेट कीपिंग दोनों को ही होल्ड पर रखूँगा, किसको रखूँगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा। एच राठौड़ की बात करें दोस्तों, आपके लिए रेगुलरली बॉलिंग करें दोस्तों, 2 से 3 ओवर
और रेगुलरली विकेट्स निकाल रहे हैं दोस्तों। एस अर्शद की बात करें, आपकी टीम के लिए मस्ट पिक, बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर रहे हैं। तनवीर की बात है सेम ही है। इशाद और अनब दोस्तों, इन दोनों में से मुझे कुछ खास ऑप्शन तो अभी लग नहीं रहे दोस्तों। आप चाहो तो ऐसे आई एम इर्शाद को टीम में रख सकते हो दोस्तों। जिस दिन चल रहा है चल रहा है, जिस दिन नहीं चल रहा है नहीं चल रहा है दोस्तों। इनका मुझे कुछ अभी श्योर नहीं है दोस्तों। देखिए दो ही ओवर बॉलिंग करें, या फिर राठौड़, अर्शद और तनवीर, इन तीनों को तो पक्का रखा जाएगा। अदनान मिर्ज़ा की बात करें, इस टीम के सबसे बढ़िया ऑलराउंडर, पर रिसेंट की फॉर्म बहुत ही ज़्यादा ख़राब है दोस्तों। पर इनको मैं ड्रॉप करने का रिस्क लूँगा नहीं, किसी भी दिन एक बड़ा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं आपको। एम मुराद को मैं टीम में रखूँगा। बाकी बी कुमार की बात करें, यहाँ से विपिन कुमार की बात करें, आप इनको टीम में ही रख सकते हो दोस्तों। रेगुलरली हर एक मैच में ये एक विकेट निकाल ही रहे हैं दोस्तों। चार ओवर हर एक मैच में ये बॉलिंग करते हुए आपको देखे जाएंगे दोस्तों। तो आप ये पांच चार प्लेयर्स सर, ये पांच प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है। सिक्स प्लेयर अगर लेना पड़े, मैं यहाँ से बी कुमार को टीम में रखूँगा अभी के लिए। इन पाँच प्लेयर्स को लेके हम दूसरे टीम के ऊपर फिल्टर लगा दें दोस्त के दोस्तों, क्योंकि आपके सऊदी अरेबिया की टीम उसमें कौन इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया की टीम की अगर हम बात करें ना, डायरेक्टली हम बॉलिंग की बात करेंगे। यहाँ से आपके आसिफ उर रहमान की बात करें, लास्ट की गेम में हमने बोला था इनको टीम में लेना, जिन्होंने लिया तो एक तरफा जीता है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने लास्ट के गेम में दो विकेट ले लिया था दोस्तों। ऐसे अबुद्दीन मेरे टीम में ज़रूर आएंगे, आई अहमद और एम खलंदर दोस्तों, इनको मैं आज के मैच में ड्रॉप करके चलूँगा दोस्तों। लास्ट के गेम ये खेले भी नहीं थे। जैदुल अबुद्दीन मेरे टीम में पक्का आएंगे। ऑलराउंडर्स में तीनों ऑलराउंडर खेलते हैं, हिशाम शेख, वाहिद और नजीब दोस्तों। मेरे टीम की बात करें, वाहिद और शेख ये दोनों ही जो प्लेयर्स हैं, इन दोनों का जगह ही बन पाएगी। हमारे टीम में अगर बैटिंग सेक्शन की बात करें, आपको खेलते हुए दिखेंगे ऐसे ए वाहिद, अफकान एल शरीफ, यू उल हसन। विकेट कीपिंग से आपको मनन अली खेलते हुए दिखेंगे। मेरे टीम में मनन अली ही होंगे दोस्तों। ए गफूर की बात करें, आप ले सकते हो मनन अली को टीम में रख के, जैसे गफूर और एफ खान दोस्तों, वाहिद और एफ खान। तो ये कुछ प्लेयर्स मेरे टीम में आ जाएंगे, आप इन प्लेयर्स का प्रीव्यू देख लीजिए कुछ इस तरह से है दोस्तों। बाकी अगर सी और वीसी की बात करें, मेरे टीम का जो कैप्टन है बहुत फिक्स ही है, ये मेरे कैप्टन होंगे, और वाहिद को मैं अपना वाइस कैप्टन बना के ये टीम में सेव करूँगा दोस्तों। कुछ इस तरह से अपनी टीम बन के रेडी हो जाएगी, इसका आप प्रीव्यू देख लीजिए। अगर इसमें मुझे कुछ चेंज करना पड़े आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।